शिट, ये एक काफी बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है यहाँ पर। गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू ऑल? टुडे इज संडे एंड वी आर गोइंग टू इगतपुरी जस्ट फॉर अ स्मॉल सिंपल मॉर्निंग राइड। एंड सारे फ्रेंड्स जो है मेरे, दे आर मीटिंग मी एट कलवा IRB टोल। हम लोग घर पे 11:30 मैक्स का रिटर्न का टाइम लेके चल रहे हैं। सो लेट्स रोल। सो लेट मी स्टार्ट द बाइक, हियर वी गो। गणपति बाप्पा मोरिया, चलो। ओके, सो तेजस भी आ चुका है, चलो निकलते भाई। सो गाइस, टुडे आई एम राइडिंग विद सम ऑफ माय फ्रेंड्स एंड काफ़ी सारे बाइक्स होंगे आज, मज़ा आएगा। बहुत दिन के बाद राइड कर रहा हूँ मैं। काफ़ी अच्छा मॉर्निंग का सनलाइट हो चुका है, ये आज का लाइनअप है। माई गॉड, ये डेटोना बहुत लाउड है यार, मैं मेरा रिस्पेक्ट बहुत मिस कर रहा हूँ। अरे 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 अरे, R15 क्या हो गया भाई, आराम से। सो गाइज, मैं काफ़ी सालों से राइड कर रहा हूँ, मॉर्निंग राइड्स मैंने बहुत सारी कर चुका हूँ। कैसा होता है ना, अर्ली मॉर्निंग अगर हम लोग निकलते हैं कोई भी राइड के लिए तो वी शुड नॉट रश, पहली बात तो। बिकॉज क्या होता है, हम लोग रेडी नहीं होते, हमारा माइंड भी उतना फ्रेश नहीं होता, सुबह सुबह का टाइम होता है, ट्रक्स भी काफ़ी होते हैं रोड पे। देखिए अभी ये दो ट्रक ऐसे जा रहे हैं ना, नाउ सी दिस गाय इज़ ब्लॉकिंग, बट फाइन, जस्ट बिकॉज आई एम स्लो हैंस आई कैन कंट्रोल। मॉर्निंग में क्या होता है ना, बहुत सारे ट्रक्स का इश्यूज़ होता है जो हमको दिखते रहता है एवरी टाइम, एंड आई रियली डोंट वॉन्ट कि कोई भी प्रॉब्लम हो जाए मॉर्निंग राइड पे, जाते टाइम भी या आते टाइम भी। तो सेफ्टी इज़ मस्ट एंड स्लो चलाना, ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप स्लो चलाओ, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा ध्यान से चलाओ। अरे भाई, ये ओला वाले को क्या हो गया यार, ये किसी को लेके जाएगा आज यार, ये कैसे चला रहे हैं यार ये ओला वाला। एक मिनट, हाँ ये इसको मैं बोलता हूँ। भाई कैमरा चालू है? हाँ, अभी हाथ दिखा रहे, क्या मतलब बन रहा है यार तेरा, पागल है क्या यार ये लोग? इन लोगों के वजह से ना यार बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं रोड पे, सुबह सुबह हम लोग ये चीज़ देखने के लिए नहीं निकल रहे यार। गाइस, जनरली क्या होता है ना, अर्ली मॉर्निंग मेनी ऑफ द ट्रक्स एंड कार्स आर ऑन द रोड्स, मोस्टली ऑन हाईवेज, और वो लोग भी काफ़ी स्पीड में होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। किसी दूसरे के वजह से एक बाइकर को अपनी जान गंवानी पड़ती है, एंड यार हम लोग ये सब चीज़ के लिए नहीं चल रहे यार, वी आर हैविंग अ पीसफुल टाइम, अ संडे मॉर्निंग राइड। सो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं भी अच्छे से ही चलाऊँ, पर आई डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन अदर्स, लाइक ट्रक वाले हो गए, कैब वाले हो गए, इनके ऊपर ना किसी का कंट्रोल नहीं है यार। जो डेस्टिनेशन है, इट इज़ जस्ट बिफोर द कसारा घाट स्टार्ट्स। ये वाला ढाबा भी अच्छा है, बट अभी आगे का डेस्टिनेशन प्लान किया है। चलो लाइनअप दिखा देता हूँ आप लोग को। लाइनअप में फिलहाल 51,000 है, देन वी हैव दिस ब्यूटिफुल 350 ER6N है, देन वी हैव दिस निंजा 650 है, अपाची 310, अगेन अ ब्लैक अपाची 310 है, एक डेटोना भी है यहाँ पर, बाकी आर ब्यूटिफुल CBR 500 रेक्सॉ, R15,
ड्यूक 790 एंड द ड्यूक 390। इनको भी अच्छा लग रहा है, लगता है अच्छा है ना बाइक, अच्छा लग रहा है ना, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा। हाँ हाँ, इन लोगों को रेप्सोल पसंद आया लगता है। हाँ देखो यहाँ पे पुलिस भी आ चुकी है। ओके गाइस, तो ये अभी आज का एंट्री चालू कर रहा हूँ मैं अभी। ये साला ट्रक से बीच में आना नहीं चाहिए। लेट्स गो। ओह माय गॉड, ओह शिट, ये एक काफी बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है यहाँ पर। इट इज़ टू अनसेफ गाइस, ये सब चीज़ें जो होती है काफ़ी अनसेफ है फॉर द राइडर्स। शिट, काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट है ये तो। आई होप यहाँ पर कुछ मेजर ना हो, किसी की जान नहीं गई हो। सब ठीक है ना? ओके, बस वही पूछने के लिए रुका था थोड़ा। ठीक है, हाँ भाई थोड़ा इधर तो लेते चलोगे? सीट ही नहीं है पीछे। डबल सीट दे सकता था बट अभी यहाँ क्या पीछे सीट नहीं है इसको, तो क्या सीट नहीं है ना, नहीं तो छोड़ता था। नहीं रे, ये पार है ना, इसके पार करके मेरा गाड़ी खड़ा है। हाँ पर कैसे हो, क्या कैसे हुआ एक्सीडेंट? नीचे टायर गिर गया। ड्राइवर ठीक है कि नहीं? ड्राइवर तो ओके है, ड्राइवर बहुत। कौन, यही ड्राइवर था? अरे बाप रे, ड्राइवर तो बाप रे, ये तो काफी बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है यार। एक्चुअली ये कसारा घाट जो है ये काफी अनसेफ है। बाप रे गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर, ओ माय गॉड, ओ शिट मैन, ये शायद कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई स्क्रैप का ट्रक है जो ऐसा बीच में गिर गया है। फक मैन, देखिए ये पूरा कांच और उसका चप्पल, माय गॉड। चलो एनीवेज, गुड, नो वन इज हर्ट। चलो माय गॉड, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर ब्रेकफास्ट डेस्टिनेशन एंड ये वाले व्लॉग में मैं आपको पूरा मेरा जर्नी जो है दिखा नहीं पाऊंगा। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल कंटिन्यू दिस व्लॉग इन नेक्स्ट पार्ट। सो गाइज, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।